आम बजट पेश हुआ है। हमारे साथ हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इस बजट पर बात करने के लिए। सबसे पहले बजट से शुरू करूंगी और मैं एक महिला हूं, दो बच्चों की माँ हूं, नौकरीशुदा हूं। मुझे इस बजट से क्या मिला, अगर आपको समझाना पड़े तो क्या कहेंगे आप? बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न ओपनिंग प्रश्न किया। इस बजट को आप इस तरह से देखिए, किसी भी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जब इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट यानी नई फैक्ट्रीज खुले, नए प्रोजेक्ट्स बने, नई बिजनेसेस खुले, नई शॉप्स खुले, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। 7.5 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से और इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट करीब 10.5 लाख करोड़, इट्स हिस्टोरिकली हाई नंबर, जिससे कि कंप्लीट इकोनॉमी में एक पॉजिटिव साइकिल चालू होगी गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के साथ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ, साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चालू होता है। उसके लिए PLI स्कीम्स की ऑलरेडी 2 साल से चल रही है और उसको और एक नए लेवल पर लेके जा रहे हैं। तो आज आप देखिए, इसका मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आज करीब करीब 22 लाख का एम्प्लॉयमेंट है। तो जो हमारी बहुत बड़ी संख्या है देश में, वो संख्या में मिडिल क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा होता है वो है एम्प्लॉयमेंट का। तो ये बजट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने वाला बजट है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में एम्पेरिकली देखें, 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से करीब करीब 4 जॉब्स क्रिएट होते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक चीज जो सबसे ज्यादा आप इस बजट को फोकस मानते हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, उसी से जुड़ा दूसरा सवाल आता है। आप रेल मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और रिसेंटली RRB INTPC एग्जाम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसपे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उसके बाद BBC की टीम आपके जो वर्जन था उसको लेकर ग्राउंड पर गई और छात्रों से मिले। बात छात्रों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें कोई भी किसी भी तरह की कमेटी से बात नहीं करनी, उन्हें सीधे से 20 गुना ज़्यादा चाहिए। एक तो ये अभी भी डिमांड है और दूसरी वो कह रहे हैं कि 4th ग्रेड की जॉब है, मतलब लेवल 1 ग्रुप C के एग्जाम्स की जो बात कर रहे हैं, जिसको ग्रुप D भी एक तरह से कहा जाता है, उसमें बोले हमारे जॉब IAS PCS UPSC की तरह नहीं है, बहुत नॉर्मल सा जॉब है, उसके लिए 2 लेवल्स क्यों? तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस कमेटी को छात्र खारिज कर चुके हैं, वैसी कमेटी बना के आप क्या हासिल करें? किसने खारिज किया? छात्रों ने, ग्राउंड रिपोर्ट। 1 लाख से अधिक छात्रों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, 1 लाख से अधिक छात्रों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए इसी कमेटी को। लेकिन वो कमेटी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि 10 गुना रिप्रेजेंटेशन आप यही लिखा होगा। नहीं नहीं, आप ये देखो, वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमारा एक फ्रेमवर्क है देश का, डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का। उस फ्रेमवर्क में कोई इस तरह से डिसीजन नहीं लिए जाते कि कोई रैंडमली डिसीजन ले ले, हर डिसीजन के पीछे बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो हमें सोच समझ के, संवेदनशीलता के साथ डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो कमेटी सीनियर ऑफिसर्स की है जिनको बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी जो आए रिप्रेजेंटेशन उसको ऑलरेडी उसकी जांच करना भी चालू कर दिया है, वेट नहीं किया है कि 3 सप्ताह 3 छात्रों ने अप्लाई किया था। हाँ, 1 लाख का रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो, 7 लाख अगर बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, उसमें 1 लाख बच्चों ने अगर रिप्रेजेंटेशन दिया तो इट्स अ वेरी लार्ज नंबर। 3.8 नहीं, देखो जो लोग क्वालिफाई हुए वो लोग रिप्रेजेंट क्यों करेंगे, उनमें से तो बहुत कम लोग करेंगे। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, कितने क्वालिफाई होते हैं? 35,000 की वैकेंसी के अगेंस्ट कितने क्वालिफाई होते हैं? 7 लाख, 20 गुने के हिसाब से, तो करीब करीब 3.8 यूनिक नंबर है। बाकी जो 3.2 है, तो यानी 1/3 जो हो सकते थे क्वालिफाई, उसका 1/3 लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप कैसे कह सकते हो खारिज किया है भाई? क्योंकि हमने जिन ग्राउंड्स पे बात की, आपकी बात अगर मैं स्वीकार भी करूं, आप मिलो। जिस तरह से आउटरीच हो रहा है, RRB के पास में स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अपने पॉइंट कह रहे हैं, क्योंकि हम खुले मन से, अच्छी नीयत से, क्लियर हार्ट से सुन रहे हैं उनकी बात और सुन के उसको सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कुछ छात्र खारिज करने को बात कर रहे हैं और कुछ छात्रों ने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया। एक दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि ग्रुप डी जैसे लेवल, वो तो बहुत, देखो उसमें ऑप्शन नहीं था सर कि एक बार में हो सके? बिल्कुल हो सकता है। देखो, और बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा भी कि हम अगर इतना बड़ा इलेक्शन करा सकते हैं तो हम इस तरह का एग्जाम क्यों नहीं करा सकते? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एग्जाम का प्रोसेस और इलेक्शन का प्रोसेस अलग होता है।
फेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि एग्ज़ाम की आंसर शीट भी लोगों को दिखाई जाती है ताकि वो अपने ऑब्जेक्शंस भी उस पर रेज कर सके। इसीलिए सोचा गया था कि एक जो ग्रुप डी का लेवल वन का एग्ज़ाम है उसको दो स्टेज में किया जाए, लेकिन लोगों की रिप्रेजेंटेशन है उस पर विचार करके बहुत जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। पहले कभी भी ऐसा एक बार में भी हुआ है और इससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, ये भी एक तरह से समय बहुत लगता है उसमें, समय बहुत लगता है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अगर कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि एक लेवल में एक ही बार में एग्जाम हो ग्रुप डी वाला, तो क्या वो डिसाइड कर सकती है? कमेटी अपना डिसीजन डेफिनेटली ले सकती है एक लेवल में कराने के लिए, एक बार में बिल्कुल ले सकती है। एक उससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जब आप कहते हैं, एक आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छात्र ने हमारे हमसे कहा कि जब मंत्री जी बोल रहे हैं कि एक पोस्ट है, मतलब एक वैकेंसी ऐसी निकलती है एक बार और उस पर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या ये सरकार की विफलता नहीं है कि हम इतने ज़्यादा बेरोजगार हैं? इस पर आपसे जवाब चाहिए। देखिए, रेलवे की नौकरी इतनी एक सेफ और इतनी अच्छी नौकरी मानी जाती है कि डेफिनेटली इसमें ज़्यादा संख्या आएगी ही आएगी। बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां अवेलेबल हैं लेकिन वो रेलवे की लेना चाहते हैं क्योंकि रेलवे एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये विफलता नहीं, ये क्रेज है, ये डेफिनेटली रेलवे के लिए, रेलवे तो इतनी अट्रैक्टिव नौकरी मानी जाती है, इसको आप बेरोजगारी से नहीं जोड़ते, अट्रैक्शन आप से जोड़ते। आप डेफिनेटली ये देखोगे कि रेलवे की चाहे छोटी से छोटी कोई भी अगर पोस्टिंग निकलेगी तो उसमें हमेशा ज़्यादा संख्या आएगी ही आएगी। आज की बात है क्या है? क्या आज की बात है? आप इतने सालों से रेलवे कवर कर रहे हो, आप ममता जी के, ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी तब भी आपने कवर किया, तब कितना संख्या आती थी? मैं आपकी बात, ये संख्या आती थी कि नहीं आती थी? आती थी या नहीं आती थी? मैं इतना जानना चाहती हूँ कि आप इसे बेरोजगारी से जोड़ते हैं या अपने क्रेज से जोड़ते हैं? रेलवे डेफिनेटली एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे नौजवान योगदान देना चाहते हैं, तो जितनी भी आप, जब भी वैकेंसीज आएंगी ज़्यादा संख्या आएगी ही। अब आखिरी के दो सवाल मेरे बचते हैं सर। एक तो फिलहाल कितनी वैकेंसी है आपकी रेलवेज में, और जब 3-3 साल में इस तरह की वैकेंसी निकलेगी क्या एक्यूमुलेशन नहीं होगा? 16 के बाद 19 में निकली, 19 वाली अभी तक नहीं हुई, तो फिर अगली कब होगी? देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स पे एसोसिएशंस का, फेडरेशंस का, उनका व्यू भी लेना होता है। आज हम बजट की बात कर रहे हैं, आप कहाँ चले गए? ठीक है, मैं बजट पे वापस आती हूँ कि इस बजट में जो हाईलाइट्स हमने देखे उसमें सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि 3 सालों में आप 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाएंगे। इन ट्रेनों के बारे में कहा जाता है कि फ्लाइट पे जो पैसेंजर्स जा रहे थे छोटी छोटी दूरी वाले, उनको आप अट्रैक्ट करने के लिए, रेलवे पे लाने के लिए आप लोगों ने इस तरह की इंटरसिटी एक्सप्रेस और जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो, किराया लेकिन 40% रेल शताब्दी और राजधानी से ज़्यादा है। 400 जब ट्रेनें चलाएंगे आप ये नई 3 साल में, क्या लगता है वो सारे पैसेंजर्स रेलवे तक आ जाएंगे? साढ़े 8 करोड़ ट्रिप्स हैं रेलवे के पैसेंजर्स की साल में, 8.5 करोड़, इट्स ए ह्यूज नंबर। कोई तनातनी नहीं है, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और पीएम साहब का विजन भी है कि सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंटीग्रेट करें पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क में। रेलवे के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम पहला तो पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करेंगे, चेंज कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में, आपने 7 वर्षों में आपने देखा होगा, स्टेशंस क्लीन है, कहीं पर भी जाओ फैसिलिटीज़ बेटर हैं, ट्रेन्स टाइम पे चलती है, नए तरह की ट्रेन्स आई नई टेक्नोलॉजी की, उसका वर्जन 1 आया, वर्जन 2 चल रहा है अभी मैन्युफैक्चरिंग, फिर वर्जन 3 होगा नई जनरेशन की आएगी। ट्रेन सेफ्टी, स्टेशन, इन तीनों से पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस चेंज होता है, तो वो सारा फोकस है पहला। 400 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं 3 साल के लिए, तो क्या ये इवेंचुअली हम शताब्दी और राजधानी इसको फेज आउट करेंगे इंटरसिटी के, जहाँ जो दो कनेक्टेड, और क्या किराया ज्यादा हो रहा है तो मेरी पॉकेट पे असर नहीं पड़ रहा है? मैं इस पे आपसे ज्यादा फोकस चाहूंगा। आप ये देखिए ना, कितना आई नीड टू शेल आउट मोर। आप देखिए वंदे की ऑक्यूपेंसी कितनी है, वंदे दो वंदे चल रही है, अभी चल रही है, करीब करीब 80-90% उसकी ऑक्यूपेंसी है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई, हम पैसेंजर फेयर में ऑलरेडी 50% सब्सिडी देते हैं, ऑलरेडी जितना रेलवे का खर्चा आता है उसका करीब करीब आधा हम रिकवर कर रहे हैं, तो वो जो सोशल ऑब्लिगेशन है, वो सोशल ऑब्लिगेशन को तो वी आर ऑलरेडी फुलफिलिंग दैट सोशल ऑब्लिगेशन, वो तो हम फुलफिल कर ही रहे हैं। प्राइसिंग नहीं रहेगी जैसे अभी है, आज जो वंदे की है प्राइसिंग नहीं रहेगी, आप देखो कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो, आप कंपैरिजन ये करो कि आपको फैसिलिटी भी तो बेटर मिल रही है। एक दूसरे आपका मंत्रालय है आईटी, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूंगी। 5G के बारे में कहा गया कि ऑप्शन स्पेक्ट्रम के साथ होंगे,
सर 4G तो 3G की तरह नहीं 2G की तरह चलता है, 5G आएगा तो कैसे चलेगा ये बताइए। आप ये गलत कह रहे हैं बिल्कुल। आज भारत में डेटा कंजम्पशन दुनिया के लार्जेस्ट पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के बराबर है। कैसे संभव है आप कहते हो कि 5G 2G ऐसा नहीं? मोबाइल नेटवर्क्स की बात आप कर रही हूं। देखिए मोबाइल नेटवर्क्स में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है। टेलीकॉम सेक्टर बहुत लंबे टाइम तक बिकॉज ऑफ मैनी लेगेसी इश्यूज़ जो हमसे हमारी सरकार के आने से बहुत पहले से चालू हुए थे, विशेषकर 2G स्कैम के टाइम से तब से चालू हुए थे, उन लेगेसी इश्यूज़ के कारण टेलीकॉम सेक्टर में बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। उन सबको एक एक करके रिजॉल्व किया जा रहा है। सितंबर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हुए, उस रिफॉर्म्स के कारण आज टेलीकॉम सेक्टर में एक नई ऊर्जा आई। बिना इन्वेस्टमेंट के आप क्वालिटी कैसे बेटर पाओगे? तो उसके लिए आपको पुरानी चीज़ों को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा ना। अगर UPA सरकार हमारे सामने इतने बड़े इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं छोड़ के जाती तो क्या आज आसान नहीं होता काम करना? लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी तो हम लोगों की है ना। आपको लग रहा है आने वाले दिनों में सब नेटवर्क और अच्छा मिलेगा? डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया, BBC से बात करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।